यहाँ को जाए या हम नीचे जाए। नो टाटा गुड बाय गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे टू मी। और आप लोगों की ओर से मेरे को विशेस आया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू सो मच मुझे विश करने के लिए। और गाइस, आज यार अभी मैं फ़िलहाल तो अभी से छत में घूम रही हूँ, अभी थोड़ी देर में देखती हूँ कि यार कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं घूमने के लिए। इस बार मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन दोस्तों के साथ किया भी नहीं, और मतलब यार लेकिन बिना बाहर जाए मेरे को चैन नहीं आता है। मैं अपनी फैमिली के साथ हमेशा करती हूँ, इस बार मम्मा भी नहीं है यहाँ, फर्स्ट टाइम मम्मा मेरे बर्थडे पर नहीं है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। पापा तो ऑलरेडी बहुत कम रहते हैं क्योंकि जॉब वगैरह में जाते हैं, पापा तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन अभी तो कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या करते हैं। लेकिन मैं हर बार बाहर जाती हूँ, बाहर जाए भी ना ऐसा लगता है कि यार मेरा बर्थडे का भी सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं ऐसे, तो मतलब देखते हैं यार गाइस, बुरा भी लग रहा है थोड़ा, बाहर जाना भी है घूमने के लिए। अभी डिसाइड करते हैं हम लोग, मैं और बहन, तो मैं और मेरी बहन चल देते हैं। बर्थडे नहीं बनाने का मेरा कुछ रीजंस हैं, तो मतलब मैं वैसे नहीं सेलिब्रेट कर रही, लेकिन बाहर हम चल देंगे, अपनी फैमिली के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। सो गाइस देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या होता है। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पहले पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, और सिस्टर तैयार हो रही है। उस बेचारी का चप्पल नहीं सही है सही है, उस बेचारी चप्पल निकल गया, वो चिपका रही है चप्पल। और हमने लोकेशन सोचा नहीं है, बस हम लोग निकल रहे हैं जहाँ हमको अच्छा लगे, लेकिन हम नीचे साइड को तो जाएंगे नहीं, हमें जाना है ऊपर साइड को, नैनीताल रोड में जहाँ भी देखते हैं जहाँ तक पहुँचते हैं। अभी सोचा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों निकल रहे हैं। अभी भाई तो आ नहीं रहा है, भाई का मन नहीं है। ये मेरा न्यू ड्रेस, मैंने आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने दिखाया था आप लोग को सूट, और अच्छा लग रहा होगा वैसे भाई दो, अगर अच्छी लगी हूँ तो भाई सोया अगर अच्छी लग रही होंगी तो इसमें मेरे को कमेंट करके बता रहा है कि यार मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, सो गाइस हमने निकलते हैं। हो गया काम, हो गया तैयार, हो गया चिपका लिया चप्पल। ये देखो मैडम जी को, पर लेट करती है यार ये तैयार होने में। हाय बोलो, हाय मैं इसको ना जबरदस्ती लेके आती हूँ, ये कहते हैं मत बना ब्लॉग में, लेकिन मैं लेके आती हूँ इसको। सो गाइस मैं निकलती हूँ जल्दी से, और जहाँ तक पहुँचते हैं आप ऐसे बने रहना मेरे साथ में, तब तो पता चलेगा आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। निकल रहे हैं, आ जा रही लो जल्दी यार, एक तो वेदर भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। मैं निकल गई भाग में, लाइट ऑफ करके आना। हाँ ठीक है, मैं स्कूटी निकाल ली। सो गाइस मैं निकल ली हूँ उड़ंदा परिंदा लेकर, ये देख लो आज लेकिन मौसम बहुत अच्छा रहा है। मेरे बर्थडे में ना हमेशा लगभग मौसम ऐसे ही हो रखा है, बिल्कुल बादल छाए हुए बरसात वाला मौसम, लेकिन जो भी है मैक्सिमम टाइम बट मिनिमम टाइम नहीं हो रखा है, मस्त है, चलते हैं जल्दी। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, मेरी सफारी रेडी है यात्रा के लिए, और मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से, पता नहीं कहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं। पहले पेट्रोल पंप की ओर चले, पेट्रोल भर लेते हैं तब आगे को निकलते हैं उसके बाद। हम अपने सफर में निकल चुके हैं, हम लोग यहाँ पे तो आ चुके हैं नैनीताल रोड में, लेकिन हम कंफ्यूज है कि हम जाए कहाँ, हम नीचे रोड में जाए या ऊपर रोड में जाए। हम जल्दी से डिसाइड करते हैं, फिर निकल डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं ब्लॉट के साइड को, देखते हैं। ये है मेरी पार्टनर, चलते हैं हम। तो गाइस फुल्ली एंजॉय करते हुए हम चले अपने सफर में। सो गाइस ये देखो अब हम जा रहे हैं अपने असली मंजिल की तरफ। दीदी इसको पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये तो पता है इसको, तो मैं पहली बार लेके आई हूँ, इसके लिए सरप्राइज है। आराम से नहीं, वैसे मेरे को इतनी डर लग रही, इतना रोड देख रहे हो इतना गंदा हो रहा है और इतना डाउन में है ना ये। ओह वाओ, मत तो की तो बड़े से हम लोग पहुंच गए हैं। इसका देखो ये बाल ऐसे कर इसने, मतलब एटलीस्ट मेरे बाल देख यार कैसे। सो गाइस वो दिख रहा है तुम्हें बुबू कैफे, बिल्कुल मुच्छर वाला। थिंक जो हल्द्वानी में होंगे वो तो इनके बारे में जाते होंगे, जो बाहर है तो वो लोग देख लो कि हम लोग आ रहे हैं ये ऊपर नैनीताल के रोड से नीचे कटे, देन उसके बाद हम लोग गए हैं बुबू कैफे है,
और ये यहाँ पे है तो आप हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर को, इसका हो गया ताम झाम, तो चल तो जल्दी। ये है असली फरारी दीदी की। वैसे ये कलर अच्छी लगती है मेरे को अच्छी लगती है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है इसकी। दीदी जाओ बूबू के सामने करो। और वहाँ से चिल्ला रही है जल्दी आ जा करके, तो मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ, ठीक है। देख लो आप लोग, ये इसकी एंट्री गेट है यहाँ से, वहाँ पे मैं दिख रही हूँ आपको शूट करते हुए। मैं से जा रही यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ पे नदी भी जा रही है इधर को, देख सकते हैं आप लोग। ये इंसिडेंट हो चुका है हमारे साथ, इसका चप्पल गया है। कोई बात नहीं, क्या हो गया यार ये। सो गाइस अब इसका इंतजाम कर रहे हैं, ऐसे तो जा नहीं सकती है। सो गाइस मैंने ये निकाल तो लिया है, लेकिन बताइए ऐसे निकल रहा है कि इसके अंदर देखो आप लोग, इतना बड़ा कीले भी जाएगी तो कैसे पहनेगी। तो रुको एक मिनट, मेरे को पहनने तो दो पहले, कि चुप तो नहीं रहा करके। ये मेरे का चप्पल टूट गया, इसका था मूड ऑफ हो गया थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं, साठी गाना चल रहा है मस्त हो करके। आप लोग ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, मतलब देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और सुकून भरा हुआ है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ओपन एरिया, पहाड़ी वादियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत मस्त है। आप लोग भी आना कभी यहाँ। सो गाइस हम लोग अंदर देखने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या कैसे, यहाँ वहाँ नहीं, वहाँ क्या जाना है, इधर है मतलब, तो वो वाला ना होटल टाइप्स का है, तो यहाँ में जाएंगे ना, इधर को देखेंगे, ठीक है। ये देख लो गाइस लाइटिंग वगैरह, इधर को ये बुबूस, यहाँ ऊपर भी है, ऊपर पता नहीं क्या है इधर। अब हम जाते हैं अंदर की। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अंदर की, और ये देख लो आप लोग, हम अंदर का लोकेशन दिखाते हैं आपको। इसको लगा ही प्रीति कौन सी, इस बेचारे का प्रीति गुड डाउन हो गया है। कोई बात नहीं, यहाँ से भी देख लो आप लोग, इस तो सही लग रहे हैं। यहाँ सब कुछ पहुँच गए हैं, हमें देख रहे हैं एक बार इसको दिखाने, मैंने तो ये चीज़ देखी भी है। चले गए हम लोग बाहर का लोकेशन देखते हैं। सो गाइस ये देख लो आप लोग, लोकेशन काफ़ी अच्छा है और मस्त है, यहाँ पे पार्टी भी चल रही है साथ साथ। मेरे को तो डांस करने का मन कर रहा है, आप लोगों को तो बताया मैं ऐसे भी डांस भी बहुत करती हूँ, मतलब लेकिन एक बार तो पहाड़ों में आके ना बहुत मजा आता है। तो गाइस मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ, मुझे मेरे थोड़ी साइड में चौक मुंडे मेरे। तो गाइस हमारी कॉफी आ चुकी है, अब हम कॉफी का आनंद लेते हैं, और गाना तो चल ही रहा है। गौर से इस लड़की को गौर से देखो, कोई बेचारे का मूड ऑफ हो गया आज, क्या करूं मैं अब। और कॉफी भी उसको, अब क्या बताऊं, कॉफी भी पसंद नहीं आई यार, लेकिन उसको खाना पसंद नहीं आया, लिटरली बता रही हूँ सच में, मैं झूठ क्या ही बोलूं, मुंह बना के वो उसको पता ना दीदी को वेस्ट पसंद नहीं है, तो वो भी खा रही है मजबूरी। घर में यहाँ आ गया है। अब हम लोग घर को जा रहे हैं, हमारा सारा काम हो चुका है, खाना पीना थोड़ा डांस वगैरह, तो आप अभी रात का व्यू देख लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑसम है, मस्त है। ये देख लो गाइस कितना सही लग रहा है। फाइनली घर को जा रहे हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो हमें टाइम पर निकलना चाहिए, और व्यूज़ बहुत मस्त था, सब कुछ सही था, कोई हमारा सामान तो नहीं छूटा, एक बार देख लेते हैं। अब मैं फाइनली निकल लूँ जल्दी से, वैसे भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो टाइम पर निकलना चाहिए घर को, तो हम चले अब। बस बहुत अच्छा रहा, बहुत मस्त रहा, बहुत प्यारा रहा, अब अंधेरी नगरी आने लग गई है, तो गाइस जल्दी 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 निकलते हैं घर को। सो गाइस ये देख लो, जितना दिन में अच्छा लगता है उतना ही नाइट में भी पहाड़ों की वादियों में बिल्कुल जगमगाते हुए सितारे जैसे होते हैं ना, वैसे कितना प्यारा लग रहा है, व्यू बहुत मस्त है यार। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं, और जैसे कि आप व्यू देख ही रहे हैं यहाँ का, वो था बहुत लंबा ट्रैफिक,
जैम हो गया है यहाँ। दीदी कैसे निकाल रही हो आप गाड़ी? तो ये दीदी ना बिल्कुल किनारे से ही निकल रही है। तो गाइस देखो हम निकल चुके हैं, मुझे तो लग रहा था दीदी निकाल तो नहीं पाएगी, लेकिन कर गई बंदी यार। हाथ में है लड़की, पेमेंट कर रही है जल्दी से, कल पेमेंट हमारा पेमेंट हो चुका है, पेमेंट कंप्लीट। लाठी स्पेशल चिकन मार के हैं, पहली बार ऐसे चिकन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ का चिकन कैसा है, वो तो मैं खा के बताऊंगी आप लोगों को यहाँ का चिकन कैसा है। और सो गाइज हम पूछने जा रहे हैं कि भैया ने बनाया क्या, ये तो मुझे टिकिया जैसी लग रही है, वो देखो उनका वो बन रहा है स्प्रिंग रोल। भैया ये क्या है? चिकन टिक्का रोल। अच्छा, ओ ये वेज नहीं है, नॉन वेज वाली है, नॉन वेज वाली है, वो देखो स्प्रिंग रोल। इसको भी ट्राई करेंगे हम लोग, फिर बताएंगे। कितने की है? कितने की है? 100 की है। हाँ करते हैं ट्राई, चलो ठीक है जी। हमारा पैक हो चुका है, अगर आज टेस्टी होगा तो हम दोबारा आएंगे खाने के लिए, चलो। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताया जाएगा। बहुत पसंद है वो। हम लोग घर पहुंच गए हैं, अब हम लोग केक के कटिंग चलने वाली है। यहाँ पे रियो ने केक रेडी कर लिया है, जल्दी का केक इधर आओ ना, केक नाम क्या लिखा है मैंने, नाम क्या लिखा है देखना। दीदी का प्यारा नाम, निक नेम जो हम बचपन से बोलते हैं सभी, मैं मम्मी मतलब कोई भी क्यों ना हो, वो है डुर्रू। बिलाओ कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कभी देख सकता नहीं तुझे खुश से, मेरी जान मेरी जान, मैं तेरी आंखों में उदासी कह रही हूँ, और ये मैं कौन था मेरी जान में बातें मैं सुनूंगा सोया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदार जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं दुनिया देना दूंगा। यार मतलब गाना गाई वो इतना सैड सॉन्ग गा रहे ना, मेरे को भूल लो। चल चल रे तू बंदे यार, सारा तो चल रही है, जहां कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन केक वगैरह सब कट हो चुका है। अब हम लोग अभी जो खाना लेके आए थे और उसका टेस्ट का टाइम आ चुका है, जल्दी से टेस्ट करते हैं, सबसे देखते हैं कि कैसा है। जल्दी जल्दी कर ले। हाँ ये वो था ना, ठंडा हो गया यार। क्या नाम था इसका? इसका नाम है चिकन टिक्का, चिकन टिक्का रोल। इसकी ओपनिंग हो रही है, चिकन टिक्का रोल, चिकन टिक्का रोल की ओपनिंग। आखिरकार देखते हैं, आखिरकार देखते हैं और टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट हो रहा है इसका। चिकन टिक्का रोल, चिकन टिक्का रोल मेरे को खिला अभी है। फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद एक चीज और दिखाना है आप लोगों को, ऐसे वेट करना अभी फिर खाना खाते जल्दी से। हम लोग का खाना पीना हो गया है, एक बार इन लोगों से पूछ ले गए थे कैसा लगा, ट्रेलर के ठूस रही है तो कैसा लगा देखो खाना। चिकन रोल टिक्का सबसे मस्त था, चिकन रोल टिक्का इसको पसंद आया, तो मतलब खाना अच्छा लगा इसको पसंद आया, तो जैसे तैसे जगह से खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। सो गाइस अब एक चीज और है, इसने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, वो मुझे भी नहीं पता, हम जल्दी से देखने के लिए जा रहे हैं। मैं देख लूँ अंदर है ना मेरा सरप्राइज है। चली ये इसने मेरे लिए मतलब मेरे को बिना बताए सरप्राइज गिफ्ट रखा था, तो मेरा गिफ्ट यहाँ पर रेडी है। यार मैं सोची क्या ही जो होगा इसमें, इसे बताया नहीं था। सो गाइस मैं आपको दिखाती रुको, ये देखो। फाइनली सारा काम तो हो गया है, अब आ गया मेरा बर्थडे ओपनिंग टाइम, बर्थडे गिफ्ट ओपनिंग टाइम आ चुका है मेरा। जो मेरी बहन ने सरप्राइज आया था मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि वो लेके आई है, लेकिन वो हर बार मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, मेरे लिए सरप्राइजेस रहता है। सो गाइस अब बर्थडे गिफ्ट देख करके इतना सही लग रहा है, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, गाइड वाइड या कुछ ऐसी चीज होगा, तो इसकी मैं जल्दी से ओपनिंग करती हूँ, ठीक है। फोटो
उस टाइप मतलब एल्बम टाइप का लग रहा है, आप देखते हैं क्या। सो गाइस मैं अब आपको दिखाती हूँ पूरा ओपन करके, बहुत मस्त है यार, मतलब लिटरली मैंने अनएक्सपेक्टेड है, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये ऐसे करके रखा हुआ था इसमें, प्यारा है तब मस्त है। थैंक यू सो मच माय सिस्टर फॉर दिस गिफ्ट, और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत प्यारा है, अनएक्सपेक्टेड था, और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यार इतना अच्छा होगा, मैंने कहीं से कहीं तक भी नहीं सोचा था। तो थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। सो गाइस मेरा बर्थडे ना, मैं पता है मैं अपने बर्थडे में कभी प्लानिंग नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी बात है मेरा बर्थडे, मैं जब भी प्लानिंग करती हूँ ना चीज़ें तो हमेशा बेकार हो जाती हैं या कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। मैं प्लानिंग नहीं करती हूँ ना तो मेरी हर एक चीज़ बहुत अमेजिंग रहती है मेरी बहन। थैंक यू सो मच माई स्वीट सिस्टर, और ये हमेशा मेरे को सरप्राइज कर देती है कुछ ना कुछ करके। बहुत मस्त था गिफ्ट, बहुत प्यारा था, ऐसा तो को तो सकता। यार मम्मी पापा आप लोग को बहुत मिस करा है यार सच्ची। मैं पहली बार ऐसा है कि मम्मी मेरे साथ बर्थडे में नहीं है, पापा तो मैक्सिमम टाइम रहते हैं नहीं हम लोग के बर्थडे में, बट यही कर सकते हैं, ड्यूटी है वो भी करनी पड़ती। क्या कर रही पंप जैसा कर रहे पंप। सो गाइज आज का मेरा वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मेरा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सो गाइज मेरे आप ऐसे प्यार बना के रखे यार हमेशा। सो मच, अब हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते। ओके बाबा, कमेंट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।